तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो पे आने के लिए। चलो ठीक है, हम अभी बात करेंगे सेट वर्सेस पेल के बीच में जो मैच होने वाला है आज 11 दिसंबर रात 12 बजे जो मैच होने वाला है, सेटलर्स वर्सेस पेलिकेंस के बीच में जो मैच होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। उसको जो भी टीम देने वाला है, जो भाई जो बोलेंगे भाई कान से सुनने, ठीक से सुनने का। हाँ, क्योंकि हम आपको देने वाला है स्मॉल लेके टीम, स्मॉल लेके टीम जो देने वाला है उसी टीम को आपको इन्वेस्ट करना है, उसी टीम पे आपको इन्वेस्ट जो भी करना है उसी टीम को करना है अगर विन करना चाहते हो तो। बाद में बोलते हैं, अभी स्टेट्स वगैरह बोल रहे थे। तो सेट का जो प्लेइंग 11 रहेगा वो आप लोग देख सकते हो, कादिम, एलियन, एलियन नहीं, उसके बाद केबिन, दोनों ने ओपनिंग पे आएगा। इसका पहले मैच भी ऐसे आया था तो दोनों दोनों ने ओपनिंग पे आने वाला है। उसके बाद केबिन विक्रम आने वाला है फर्स्ट राउंड पे, उसके बाद बैथीवेट रहेगा और मार्शल रहेगा, ये बूफ रहेगा। उसके बाद तो आप लोग देख सकते हो, उसके बाद रहेगा जाफारी, जोमेल एंड देन मिचेल। उसके बाद लास्ट में आने वाला है विकेट कीपर जो थे क्लार्क, वो लास्ट में आया था इससे आगे वाले बेंच में। और उसके बाद जो 11 लास्ट प्लेयर रहेगा वो सी बॉय से रहेगा। तो आप लोगों को जो एक बात कहना है, आप लोग जस्ट ये जो स्टेट्स दिखा दे रही है, हम इस स्टेट्स से आप एक ग्रैंड लीग की टीम रेयर कर सकते हो। और जो स्मॉल लीग की टीम है वो हम आपको दे देंगे, वो आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी, मतलब आपको ज़रूरत नहीं है अपने आप से तैयार करने का, हम दे देंगे भाई, विन करा देंगे। डेली विन करते हैं डेली। तो आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम चैनल पे फाइनल टीम फुल अपडेट सब कुछ मिल जाता है और विनिंग टीम भी मिल जाएगा। आप लोगों को विनिंग कुछ भी नहीं करना है, उसी टीम को आपको इन्वेस्ट करना है, उसी कैप्टन, उसी वाइस कैप्टन पर जो देने वाला है। तो ठीक है, अभी जो बॉलिंग ऑर्डर रहने वाला है सेट का, उन देख सकते हो, बॉयज से 2 ओवर किया था, मार्शल ने 1 ओवर किया था, एलियन 1 ओवर किया था, एगर्ट 1-2 ओवर किया था, क्लार्क ने जो कीपिंग है उसने भी 1 ओवर किया था, जोमेल एरिकन जो कैप्टन है वो 2 ओवर करके 2 विकेट भी निकाला था, एस्टन बोप ने भी 1 ओवर करके 1 विकेट निकाला था। आप लोग सब इकोनॉमी वगैरह सब कुछ देख सकते हो, इधर इकोनॉमी है, फुल इकोनॉमी कितना करके रन दिया था, कौन कितना विकेट लिया था, सब कुछ देख सकते हो। स्टेट्स आप लोगों को मिल जाएगा और स्क्रीनशॉट कर लेना, आप लोगों को काम ग्रैंड लीग तैयार करने में काम आ जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लेना अभी, ये पूरा स्क्रीनशॉट करके ग्रैंड लीग के लिए काम आने वाला है। तो सेट का बॉलिंग ऑर्डर दिखा दिया, बॉलिंग ऑर्डर दिखा दिया और बैटिंग ऑर्डर भी दिखा दिया आपको। और जो पेलिकन की टीम रहने वाला है उसके भी बारे में बात करेंगे, उसका टीम दे देते हैं। पेल का जो टीम रहने वाला है वो ये रहेगा, टीम क्या, पेलिकन का जो प्लेइंग 11 रहने वाला है वो दिखा देते हैं। पेलिकन का टीम, पेलिकन 103 रन किया था इस लास्ट वाला मैच में, लेकिन गोवा का टीम ने 9.3 ओवर में देखो चेस कर लिया था 3 विकेट गवा के। तो इनका जो पेलिकन्स का जो प्लेइंग 11 रहेगा वो दिखा देते हैं। पेलिकन्स का डेल रिचर्स ओपनिंग में आएगा, उसके बाद ओडियन एमसीकेटी उसके साथ फर्स्ट राउंड में आएगा, कैप्टन जो है ड्रक्स, उसके बाद शेन बैथीवेट आएगा, प्रेस आउट आएगा। थोड़ा सा प्लेइंग 11 में बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा चेंजेस भी कभी कभी होता है क्योंकि ये T10 का मैच है तो हो सकता है। तो ये प्लेइंग 11 में, ये लास्ट मैच में ऐसा ही आया था, लास्ट मैच ऐसा ही हुआ था, आप लोग देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट अब ग्रैंड लीग के लिए काम में आने वाला है, तो पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो उनका बॉलिंग ऑर्डर रहने वाला है बॉलिंग ऑर्डर भी दिखा देते हैं। बॉलिंग ऑर्डर देखो, बॉलिंग ऑर्डर ये 6 प्लेयर ने बॉल भी किया था, बॉल एडम जॉर्डन ने 2 ओवर किया था, बिशप ने 2 ओवर किया था, डोरिस ने 1 ओवर किया था, डेली ने 1 ओवर किया था, आईफिल ने 2 ओवर किया था और जादन इडमाउंट 1 ओवर 3 बल करके पूरा मैच ही खत्म हो गया था उस टाइम पे।
तो देख सकते हो विकेट कौन कितना विकेट लिया था, इकोनॉमी वगैरह सब कुछ देख सकते हो, कितना विकेट कितना रन दिया था, सब कुछ देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो आप जो मेन बात आप लोगों से बोलना चाहते हैं, आप लोग ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, ओके। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल मास्ट भी ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को फाइनल टीम मिल जाएगा। जो फाइनल टीम है उसी टीम को आपको इन्वेस्ट करना है। अभी के लिए जो 11 प्लेयर रहेगा, 11 प्लेयर दिया, ये देख सकते हो, इसी 11 प्लेयर पे आपको सेव करना है और जाके एक हेड टू हेड या स्मॉल ओनली हेड टू हेड पे जाके इन्वेस्ट करना है। ज़्यादा हेड टू हेड जाके इन्वेस्ट करो, और जो टेलीग्राम चैनल पे फाइनल टीम लगाया जाएगा उस फाइनल टीम पे कोई भी चेंजेस ना करके उसी टीम पे ही आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। कोई भी चेंजेस नहीं करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन जैसा देने वाला उसी तरह से आपको विनिंग होने वाला है डेली। भाई ऐसा ही डेली विनिंग करते हैं हम, एक भी मैच में भाई जितना भी मैच खेलते, एक भी भाई 20 में से 1 मैच में हेड टू हेड खेलो भाई, टेस्ट करके देखो, 20 में से 1 मैच पे भी हार नहीं होगा भाई, पूरा मैच विन करोगे, टेस्ट करके देखो। हम भी पहले बहुत सारा लॉस में था, ड्रीम इलेवन या कोई भी फैंटेसी ऐप जो भी खेलता है ना, 80-90% लोगों का लॉस में ही रहता है। कान मेरा बात गुस्सा लो भाई कान पे, अगर विनिंग करना चाहते हो, मैं भी आप लोगों जैसा हूँ, तो विनिंग करना चाहती हो तो ऐसे ही करना है। जो कैप्टन वाइस कैप्टन जो टीम देने वाला उसी टीम को आपको इन्वेस्ट करना है, बस इतना ही, और डेली विन करो, इतना ही मेरा बात है आप लोगों से। चलो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अभी के लिए ये टीम सेव करके आप लोग इन्वेस्ट कीजिए ओनली हेड टू हेड कंटेस्ट पर, और हेड टू हेड कंटेस्ट का टीम आप लोगों को जो फाइनल टीम मिल जाए उसी टीम को आपको इन्वेस्ट करना है। कोई भी नहीं, ऐसा नहीं कि मैं एक कैप्टन देने वाला आप लोगों को अच्छा नहीं लगा कि दूसरा कैप्टन देने वाला है, आप ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जो कैप्टन में देने वाला उसी कैप्टन पे आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, उसी वाइस कैप्टन पे इन्वेस्ट करना है, उसी 11 प्लेयर पे इन्वेस्ट करना है, बस इतना ही। आप लोग मेरा टेलीग्राम में अभी यूट्यूब जाने स्टार्ट किया हूँ, लेकिन जितना दिन से किया हूँ भाई, जो मेरा टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब पे हो सबको पता है कि कैसे विन कर रहे हैं हम डेली भाई, डेली एक भी मैच ऐसा नहीं होता है कि लॉस हो गया भाई, डेली हर में हर एक मैच में विनिंग करते हैं। चलो भाई आप लोगों से इतना ही बोलने का था, चलो ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड लव यू ऑल, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब फैमिली, तो आप लोग प्लीज़ साथ दो, और भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, कोई भी नहीं करता, एक लाइक भी नहीं करता है, तो इतना ही। चलो ठीक है भाई, लव यू ऑल, बाय।